अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने शंख की आवाज़ सुनी है, शंख की आवाज़, हाँ जी, तो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं, मंदिरों में सुनी है, रिलीजियस प्लेसेस पे सुनी है, शादी ब्याह के टाइम सुनी है, पूजा होती है जब भी, तब उसकी जो कहते हैं पूजा इनकम्प्लीट है बिना शंख की ध्वनि के, बिना उसकी आवाज़ के, ये सब तो आप सब जानते हैं, है ना? एक मधुर सी मीठी सी आवाज़ हम सब सुनते हैं। अगर मैं कहूँ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगी अमेजिंग रीजंस जिनकी बदौलत आप समझ पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि शंख बजाना कितना इम्पॉर्टेंट है और हर किसी को शंख बजाना आना चाहिए और नॉट जस्ट बजाना आना चाहिए। इससे इतनी सारी एरियाज एंड इतनी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं, प्लस इट कैन ऐड टू अमेजिंग ऑरा इन योर हाउस। आपके घर में, आपके सराउंडिंग्स में इसका जो ऑरा है, इसकी वजह से जो पॉजिटिविटी है वो इतनी कमाल की हो जाएगी। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि शंख, ब्लोइंग ऑफ काउच और शंख बजाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल 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 अबंडेंट फैमिली। आपका तहे दिल से आभार और शुक्रिया इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज की वीडियो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, एक एरिया, एक आस्पेक्ट इसको जोड़ूंगी मैं हम सब की लाइफ के साथ, और ये है शंख का बजाना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। शंख जो वर्ड है ये एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मीनिंग है पेसिफाइंग द इन ऑस्पिशियस एंड इम्प्योर। तो हम बहुत सी इम्प्योर एंड इन ऑस्पिशियस एनर्जी को पेसिफाई करते हैं, नलीफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने देखा है, एंशियंट योगीज जो थे वो हर रोज़ पूजा के दौरान शंख बजाया करते थे, घरों में भी बजते थे, कम्युनिटी सेंटर्स, हॉल्स, हर जगह बजा करते थे, और इसके बिना कहते थे पूजा अधूरी है। इनफैक्ट शंख को देखें तो ये ओशन कहाँ पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है डेप्थ ऑफ द ओशन में। और किसका प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर्स से, स्नेल्स को, ताकि वो सुकून की ज़िंदगी जी पाए। इसकी आवाज़ पेनिट्रेटिंग तो है, जब भी शंख बजता हुआ हम सुनते हैं। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मुझे याद है एक सीरियल आया करता था महाभारत, और रामायण भी आता था, उस टाइम वो शंख की आवाज़ से शुरुआत होती थी, उसकी नाद से शुरुआत होती थी, तो वो अभी भी मेरे जहन में है, कहीं ना कहीं है ध्यान में। तो उसकी आवाज़ बहुत पेनिट्रेटिंग है, बट बहुत स्वीट सी साउंड है, और इसके इतने गज़ब के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं कि वो हमारा चारों तरफ ऑरा क्लेंस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स की। कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं आप जानते हैं, आपके डायफ्राम के लिए, आपके लंग्स के लिए एक अमेजिंग एक्सरसाइज है, अमेजिंग एक्सरसाइज है हर उस इंसान के लिए, हर उस मेल या फीमेल के लिए जो 40 प्लस लाइफ में, जहां 40 साल से ऊपर होने लगते हैं। तो ये आपकी यूरिनरी ट्रैक के लिए और ब्लैडर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एडल्टहुड में हम बहुत से लोगों को डायपर्स यूज़ करते हुए देखते हैं, बिकॉज उनका कंट्रोल ख़त्म होने लगता है अपने ब्लैडर के ऊपर। तो अगर 40 से पहले से ही हम ये करने लगें तो हमारा अपना कंट्रोल ब्लैडर के ऊपर बहुत हद तक और बहुत स्ट्रांगली रहेगा। कि आपके थायराइड ग्लैंड्स हैं ना, और जो वोकल ग्लैंड्स हैं, इनके लिए गज़ब की एक्सरसाइज है ये। अगर आप इसे करने लगेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होने लगेगा आपके वोकल ग्लैंड्स क्लियर हो रहे हैं, और आपके नॉट जस्ट दैट थायराइड ग्लैंड्स आपके क्लियर हो रहे हैं। बच्चे जो स्टैमर करते हैं, बच्चे जिनके अंदर स्पीच की क्लैरिटी नहीं है, अगर राइट वे से, सही तरीके से उनको बताया जाए कि शंख कैसे ब्लो करना है, तो बहुत हद तक उनकी ये प्रॉब्लम्स से भी वो निजात पा सकते हैं। है ना कितनी कमाल की चीज़। ये हम जब शंख बजाते हैं ना, तो हमारा माइंड वो टोटली ऑप्टिमिज्म से भर जाता है, एक अलग सा सुकून मिलता है, हमारी विल पावर इन्हेंस होती है, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लिस टू अस। आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फेस पे ग्लो कैसे आता है, या
यू नो हाउ कैन अ पर्सन कीप दैट ग्लो इंटैक्ट. फेस की बेस्ट एक्सरसाइज जो है ना वो यही है, शंख बजाने की. तो आप जब बजाएंगे आपको दिखेगा कि एकदम से देयर इज अ रश ऑफ ब्लड ऑन द फेस, और उससे क्या होगा, आपके मसल्स स्ट्रेच होंगे एज यू ब्लो, क्योंकि एक्सरसाइज हो रही है ना. एंड यू कीप योर स्पाइन इरेक्ट जब इस जिस टाइम आप बजाएंगे, जस्ट इंश्योर दैट योर स्पाइन इज इरेक्ट. गर्दन थोड़ी सी ऊपर होगी और देन यू विल बी होल्डिंग द शंख इन योर हैंड एंड देन यू विल बी ब्लोइंग इट, राइट. मैं आपको दिखाऊंगी भी किस तरह से होल्ड करना है और कैसे बजाना है. वो परफेक्ट पोजिशन में जो आउटफ्लो होगा उसकी वजह से जो फेस के ऊपर जो गश होगा एकदम से, उसकी वजह से आपको दिखेगा कि एकदम देर इज़ अ ग्लो ऑन योर फेस. नॉट जस्ट दैट, दिस इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज, आपके चेहरे के लिए अमेजिंग एक्सरसाइज है. इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ब्यूटिफुल फ़ायदा है, अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप शंख में रात भर पानी रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूज़ दैट वाटर टू जस्ट नॉट जस्ट रिंस योर फेस, उसको फेस पे रब करिएगा, और रब करने से जो आपके फेस पे स्किन रिलेटेड स्मॉल इश्यूज़ हैं दोज कैन गेट क्लेंज्ड वेरी वेरी इफेक्टिवली. बहुत इफेक्टिव मेथड है वो फेस क्लेंजिंग के लिए. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज बेस्ट शंख कौन से हैं. दो तरह के शंख बेस्ट माने जाते हैं, एक तो दक्षिणावर्ती शंख सबसे अच्छा माना जाता है, एक वामपुरी शंख सबसे अच्छा माना जाता है, और ऑस्पिशियस भी ये दोनों शंख सबसे ज़्यादा माने जाते हैं. तो जब भी आप किसी पूजा के स्थान पर जाएंगे या किसी भी मंदिर में या किसी पूजा के स्थान पे जहाँ पे ये सामान मिलता है वहाँ पे आप इन दो शंख का स्पेशली यू कैन आस्क फॉर दीज टू, ताकि ये आपकी हेल्प कर पाएँ. ऑब्वियसली जो जिस घर में शंख बजता है उस घर में प्रॉस्पेरिटी, फेम और लॉन्जिविटी रहती है और हमेशा आती है. कभी आपने शंख को अपने कान के पास लगाया है? नहीं लगाया तो एक बार लगाइएगा, और जब आप इसे कान के पास लगाएंगे और ज़रा सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी वाइब्रेशंस आएंगी. यू विल फील द साउंड ऑफ ओशन हमिंग, और ऐसा लगेगा जैसे आप समुद्र के पास ही बैठे हैं और वहाँ से वो हमिंग की साउंड आ रही है. बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग साउंड है, एंड इट्स वेरी कामिंग आल्सो. ये है साउंड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द अर्थ. हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट रहे हैं जेसी बोस, रिसर्च के थ्रू उन्होंने बताया कि हार्मफुल इनविजिबल इंसेक्ट्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं when we blow the couch. हमारा ब्रेन एम्प्टी हो जाता है ऑल थ्रू द मोमेंट यू ब्लो द काउच. द एंटायर ट्रांस स्टेट वेयर वी आर रिसेप्टिव, वी अचीव दैट. और हम सब उस ट्रांस स्टेट में जाने के लिए आई थिंक कितना मेडिटेटिव स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, कितनी बार कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेटिव स्टेट में आएँ और हम उस ट्रांस स्टेट में चले जाएँ. तो जब हम शंख बजाते हैं उस टाइम हम टोटली ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं. इमेजिन, एंड वी देन वी आर रिसेप्टिव टू द एनर्जीज विच आर देयर इन द यूनिवर्स. है ना कमाल की चीज़. जब भी शंख बजाएंगे तो हमें कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है. एक तो हमारी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, एक जब हम हाथ में शंख बजा रहे हैं तो हमारा गर्दन स्ट्रेट ना रह के थोड़ा सा टिल्टेड टूवर्ड्स अप होना चाहिए. हम दोनों हाथों से इसको पकड़ेंगे कहा था ना लास्ट में बजा के बताऊंगी. शंख किस चीज का बना हुआ है? शंख बना हुआ है कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम का. इसकी एनर्जीज ना केवल ये देती हैं बस, कि इसके अलावा बहुत स्क्रिप्चर्स में है भी, और ये फैक्ट है कि जब हम इसके अंदर, जब हम पूजा के दौरान हम बैठते हैं और हम इसके अंदर जल डाल के पूजा करते समय बैठते हैं या जल डाल के छोड़ भी देते हैं, चलो हमने नहीं भी किया तो भी हमारे ऑल्टर में, हमारे पूजा घर में इसमें पानी जल डाला और जल डाल के छोड़ दिया, आफ्टर अबाउट 2 आवर्स हम इसको, इस वाटर को लेके पूरे घर में स्प्रिंकल करते हैं तो इट एड्स ऑन टू द पॉजिटिविटी
एंड जितना भी नेगेटिविटी है वो वहाँ से ख़त्म होती है, निकलती है, बाहर जाती है, और ये एक अबंडेंस का सोर्स है। आप जब स्टार्ट करके देखेंगे, ये है तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल या छोटी सी क्रिया, लेकिन जब आप ये करेंगे आप इसके मैजिकल रिजल्ट्स अपने घर में देखेंगे अबंडेंस को आते हुए। आयुर्वेदा में तो इसका ट्रीटमेंट है फॉर दोज लेडीज़ हु अंडरगो मेनोपॉज। इस शंख को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दोज लेडीज़ हु आर अंडरगोइंग मेनोपॉज एंड हैव अ डिफ़िकल्टी इन दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न इसके अंदर इट्स मेड ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एनर्जीज़ हैं, जो फ्रीक्वेंसीज़, जिस फ्रीक्वेंसी पे शंख की आवाज़ आती है, वो फ्रीक्वेंसीज़ पॉजिटिविटी ऐड करती हैं, एनहांस करती हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू ब्लो द काउंच और ब्लो शंख बजाना, इसीलिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सो ये थी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी और मैं आपको बताना चाहती थी कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। अब हम जब नया साल आ रहा है, हम जानते हैं कि हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो जब हम नए साल में एंटर कर रहे हैं तो कुछ नया तो होना चाहिए। तो जिस घर में शंख नहीं बजता है या नहीं रखा जाता है या किसी को बजाना नहीं आता है, तो कोई बहुत बड़ी गेम तो नहीं है, सीख सकते हैं हम सब। सीखिए और एटलीस्ट दिन में एक बार हर घर में ज़रूर शंख बजना चाहिए। मैं कहीं यहाँ पे कोई एक रिलीजियस सेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एक प्रोक्लेम नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ को कि हाँ ये किसी पद्धति की, हिंदू पद्धति है या किसी पद्धति की वजह से है, बट मैं इसके बेनिफिट्स होलिस्टिकली 360 डिग्रीज आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी बदौलत आप ना केवल फिजिकली, मेंटली बट इमोशनली हर तरह से आप अपने आप को रिलीव्ड पाएंगे, आप अपने आप को बेटर पाएंगे, आप अपने आप को हैप्पियर पाएंगे, और आप खुद देखेंगे कि आपके घर का चारों तरफ जगह का माहौल एक चेंज होने लगेगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो कैन वी ट्राई डू दिस इस साल, आने वाले साल में जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें से क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? हो सके तो कोशिश कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस कमिंग ईयर ब्रिंग अ लॉट ऑफ फॉर्चून फॉर ऑल ऑफ यू, लॉट ऑफ अबंडेंस फॉर ऑल ऑफ यू, लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू, और आप सब अपने अंदर से, अंतह मन से हैप्पी और स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।